स वेलकम एंड टू डे वी विल डिस्कस दू ऑफ प्लेटलेट पैथोलॉजी इन द लास्ट वीडियो वी हैव डिस्कस लाइक अगर कोई भी ब्लड वेसल पर इंजुरी होती है तो उसका रिस्पॉन्स क्या होता है द फर्स्ट एंड फार्मोस्ट रिस्पॉन्स इज द वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन टू मिनिमाइज द ब्लड लॉस आफ्टर वेसोकॉन्स्टिक्शन देर इज प्राइमरी हिमोस्ट्रेसिस देन देर इज सेकेंडरी हिमोस्टास एंड फाइनली देर इज कोईगुल लाइक जो क्लॉट बना है उसका रिजॉप्शन जो होता है ओके तो यहाँ पे हम पहले बात करेंगे अभी प्राइमरी हिमोस्टेसिस की प्राइमरी हिमोस्टेसिस इज मोर टुवर्ड्स प्लेटलेट पैथोलॉजी ओके वहाँ पे प्लेटलेट से रिलेटेड चीजें हम पढ़ेंगे सेकेंडरी हिमोस्टेसिस अचीव्ड बाय द कोयगुलेशन कैसकेट तो वहाँ पर हम क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स को पढ़ेंगे देन फाइनली देर इज क्लॉट रिजॉर्प्शन ओके अगेन द प्राइमरी हिमोस्टेसिस इज एक्चुअली अ सीरीज ऑफ इवेंट्स इन जिसमें सबसे पहली चीज क्या होती है प्राइमरी हिमोस्टेसिस में प्लेटलेट का एडिशन होता है कि जो ब्लड वेसल में प्लेटलेट तैरती हुई आ रही थी अब जैसे ही वहाँ पर उन्होंने देखा कि वेसल वॉल में इंजरी हुई है तो वो वहाँ से एडहर हो जाएगी ओके पूरा मेकेजम हम आगे पढ़ेंगे तो सबसे पहले होता है प्लेटलेट का एडिशन वहाँ पर अब एडिशन के बाद वहाँ पर प्लेटलेट एक्टिवेट होती है जब प्लेटलेट एक्टिवेट होती है तो उसमें दो इवेंट्स होते हैं कौन से दो इवेंट्स होते हैं दिस टू इवेंट्स आर चेंज इन द शेप ऑफ द प्लेटलेट यानी शेप उसका चेंज होता है Uh, और दूसरी चीज़ होती है सिक्रीशन ऑफ द ग्रेन्यूल्स देन द थर्ड इवेंट देंट ऑकर इज़ प्लेटलेट एग्रीगेशन अब एक प्लेटलेट तो यहाँ जुड़ चुकी है अब जो ब्लड वेसल्स में दूसरी प्लेटलेट आ रही हैं वो भी आ आके इसके साथ में जुड़ने लगती है और बहुत सारी प्लेटलेट यहाँ पे जुड़ जाती हैं तो एक प्राइमरी प्लेटलेट प्लग बनता है ओके सो दिस इज सीरीज़ ऑफ इवेंट दैट वी आर एक्चुअली गोइंग टू डिस्कस प्लेटलेट एडिशन की बात हम आ, आगे करेंगे लेकिन पहले अभी देखते हैं कि प्लेटलेट एक्टिवेशन बेसिकली क्या चीज़ होती है प्लेटलेट एक्टिवेशन में दो पार्ट होते हैं एक चेंज इन शेप ऑफ द प्लेटलेट दैट इज नॉर्मल प्लेटलेट कैसी होती है प्लेटलाइट डिस्कवाइडल शेप होती है देन उसका शेप जो है वो चेंज होता है एंड इट बिकम फ्रॉम दिस टू दिस ओके okay, उसमें स्पाइक्स आ जाते हैं दिस स्पाइक्स या फिर सी आर इन लाइक स्ट्रक्चर जिसे कहा जाता है इट बेसिकली इंक्रीजेस दिस सरफेस एरिया एंड देयर फॉर लाइक इट विल हेल्प इन मोर एंड मोर प्लेटलेट एग्रीगेशन ओके फर्दर जो प्लेटलेट का सर्फेस एरिया बढ़ेगा तो उससे रिलेटेड जो इसके ग्लाइको हैं वो भी ज़्यादा होंगे तो लाइक like, आगे के स्टेप्स में एक्टिवेशन एंड देन एग्रीगेशन में हेल्प मिलेगी देन इज ऑफ ऑफ ग्रेन्यूल्स ग्रेन्यूल्स के लिए हमें पता होना चाहिए कि प्लेटलेट में दो टाइप के ग्रेन्यूल्स होते हैं द फर्स्ट वन इज द अल्फा ग्रेन्यूल एंड द सेकंड डेल्टा ग्रेन्यूल्स अब यहाँ पे इनके नाम पूछे जाते हैं कई बार एम सी क्यू में चार दिए होंगे उसमें से तीन हो सकता है अल्फा के हैं और बोल दिया बताइए कौन सा अल्फा का नहीं है तो एक डेल्टा का डाल देंगे वो ग्रेन्यूल ठीक है इसे हम कैसे याद रखेंगे इसे ऐसे याद रखना है कि जो अल्फा ग्रेन्यूल्स है ना दिस ऑल आर बेसिकली सम फैक्टर मोस्टली दे आर फैक्टर लाइक फाइब इनोजन इज अ फैक्टर वन विलिब्रेंट फैक्टर इज अ फैक्टर फैक्टर फाइव इज अ फैक्टर टिश्यू ग्रोथ फैक्टर इज अ फैक्टर प्लेटलेट डिराइव ग्रोथ फैक्टर इज अ फैक्टर एंड प्लेटलेट फैक्टर फोर इज़ अ फैक्टर ओके तो जितने भी अगर किसी के नाम में फैक्टर दिख रहा है ना तो समझ जाइए कि वो अल्फ़ा को बिलोंग करता है हाँ इसमें एक एक्सेप्शन होता है वो है आपका जस्ट अ सेकेंड वो है फाइब्रोनेक्टिन, ठीक है फाइब्रोनेक्टिन के नाम में आपको कोई फैक्टर नहीं मिलेगा बट फाइब्रोनेक्टिन इज ऑल्सो अप कंटेंट ऑफ अल्फा ग्रेन्यूल देन हम आगे बढ़ते हैं डेल्टा ग्रेन्यूल या डेंस ग्रेन्यूल की बात करते हैं यहाँ पर जो सारी चीज़ें आएंगी दिज आर लाइक ए डी पी ए टी पी एड्रिनली सीरेटोनिन ये कोई फैक्टर नहीं है लेकिन हाँ इसमें कैल्शियम आता है कैल्शियम ऑब्वियसली एक कोईगुलेशन कैसेट का फैक्टर है पर वो यहाँ पर है डेंस ग्रेन्यूल में ठीक है तो डेंस ग्रेन्यूल में ज़्यादातर चीज़ें कैसी है कॉन्ट्रेक्शन से रिलेटेड है सीरोटोनिन कॉन्ट्रेक्शन कराता है एड्रीनलिन कॉन्ट्रेक्शन कराता है कैल्शियम कॉन्ट्रेक्शन कराता है ठीक है इसके अलावा ए और ए भी यहाँ पर है तो ये आपको याद रखना है कि विचार आर लाइक कंटेंट ऑफ अल्फा ग्रेन्यूल एंड विच आर कंटेंट्स ऑफ डेल्टा ग्रेन सबसे पहली चीज़ जो होती है किसी भी अगर ब्लड वेसल में इंजरी होती है तो इट इज़ वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन ठीक है लास्ट टाइम कभी एक एग्जाम में पूछा गया था कि सबसे फर्स्ट इवेंट क्या होता है वेसल इंजरी का तो फर्स्ट इवेंट डेट विल गोइंग टू तो ऑकर इज़ वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने बेसिक बताया कि दिस इज योर इंडोथीलियम इंडोथीलीम के नीचे ये है आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन जिसमें कोलेजन होता है ओके देन दिस इज़ योर आर्टेरियोल स्मूथ मसल यहाँ पे ये प्लेटलेट्स ये दिज आर आर बी सीज सॉरी ठीक है तो दिज आर आर बी सीज विच आर एक्चुअली इन योर ल्यूमन ऑफ द ब्लड वेसल यहाँ पे अगर किसी भी टाइप की इंजरी होती है तो उस इंजरी का सबसे पहला जो इवेंट है वो होना है कॉन्स्ट्रिक्शन दिस कॉन्स्ट्रिक्शन इज मेजिटेड बाय टू थिंग्स फर्स्ट इज रिलीज ऑफ इंडोथेलिन एंड दे सेकेंड वन इज देयर इज अ रिफ्लेक्स कॉन्स्ट्रिक्शन आल्सो ओके दिस टू इवेंट कंट्रीब्यूट टू कॉन्स्ट्रिक्शन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ब्लड वेसल इंजुरी कैसकेट uh, देन आगे अब हमें क्या देखने के लिए मिलेगा नेक्स्ट वन इज योर प्लेटलेट एक्टिवेशन इन एग्रीगेशन प्लेटलेट एक्टिवेशन एंड एग्रीगेशन इज मोर ऑफ अ प्राइमरी हिमोस्टेसिस थिंग द थर्ड वन वी आर गोइंग टू डिस्कस इज एक्टिवेशन ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स एंड फॉर्मेशन ऑफ फिबरिंग दिस इज मोर ऑफ अ सेकेंडरी हिमोस्टेसिस थिंग ओके अब प्राइमरी हिमोस्टेसिस में हम देखते हैं कि क्या होता है जैसे यहाँ पे कोई भी इंजरी हुई ओके इंजरी के बाद यहाँ पे जो बेसमेंट मेम्ब्रेन का कोलेजन है ना एक तो वो चीज़ एक्सपोज होती है जिस कोलेजन दूसरी चीज़ वॉन विलिब्रेंट फैक्टर एक्सपोज होता है ये दोनों चीज़ें जो है प्लेटलेट एडिशन की पूरी स्टेप्स हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे प्लेटलेट एडिशन होता है और ये प्लेटलेट यहाँ के चिपक जाती है एडिशन के बाद नेक्स्ट चीज़ होती है प्लेटलेट का एक्टिवेशन जिसमें फर्स्ट चीज़ होता है उसका शेप का चेंज शेप में चेंज होता है और इसमें थोड़े से स्पाइक्स आने लगते हैं सर्फेस एरिया बढ़ाने के लिए सेकेंड स्टेप क्या होती है सिक्रीशन तो ग्रेन्यूल्स की रिलीज दिस शेप चेंज एंड सिक्रीशन बोथ कॉन्ट्रीब्यूट टू प्लेटलेट एक्टिवेशन देन फाइनली वॉट हैपन्स मोर एंड मोर प्लेटलेट विल कम लाइक रिक्रूटमेंट होगा और उसके बाद एग्रीगेशन होगा मल्टीपल प्लेटलेट्स जो है वो आपस में यहाँ पे चिपक जाएंगे और फाइनली देर इज फॉर्मेशन ऑफ अ हीमोस्टेटिक प्लग नेक्स्ट थिंग दैट यू कैन अप्रिशिएट इन दिस डायग्राम ऑफ सेकेंडरी हीमोस्टेसिस दैट देर इज एक्टिवेशन ऑफ मेनी थिंग्स लाइक टिश्यू फैक्टर थ्रोम्बिन फाइब्रिन ओके टिश्यू फैक्टर इंड फॉस्फोलिपिड कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन ओवरऑल दिस ऑल आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन वॉट इनब्रीन कन्वर्जन ऑफ फाइब्रिन एंड देन फाइनली दिस फिब्रीन जो है वो मल्ट यह प्लेटलेट्स के बीच में पूरा मैश बनाएगा और इस प्लग को जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा दिस इज़ द सेकेंडरी हिमोस्टेटिक प्लग प्लेटलेट प्लग एंड देन फाइनली जब एक क्लॉट अच्छे से बन चुका है और टि, टिश्यू की हीलिंग हो चुकी है अब क्लॉट की और ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तो उस क्लॉट को रिजॉर्व कर लिया जाता है क्लॉट रिजॉर्पशन में जो है दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है पहली चीज़ फाइब्रीनोलाइसिस यानी जो क्लॉट बन चुका है फाइब्रिन का उसको हम तोड़ेंगे दूसरा होता है थ्रोम्बोमोड्युल दैट इज़ ब्लॉक द कोएगुलेशन कैसकेड यानी फर्दर और ज़्यादा क्लॉटिंग ना हो ठीक है ये दो चीज़ें क्लॉट इज ऑप्शन के इंपॉर्टेंट पाथवे में आती हैं जो क्लॉट है उसमें बेसिकली क्या है पहले स्टार्टिंग में तो हमारी सिर्फ प्लेटलेट थी दैट इज़ द प्राइमरी प्लग बाद में बीच बीच में फिब्रीन बन गया था दैट इज द सेकेंडरी हिमोस्टेटिक प्लग और फिर वो सेकेंडरी हिमोस्टेटिक प्लग ही ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता जाता है और फिर वो न्यूट्रोफिल और आरबीसी को भी ट्रैप कर लेता है टू सी वॉट इज प्लेटलेट एडेशन एक्चुअली अब यहाँ पे देखिए ये कोई एक ब्लड वेसल है आपकी ओके इस ब्लड वेसल के अंदर दिस इज़ योर इंडोथीलीम इंडोथीलीम के नीचे बेसमेंट में क्या होता है कोलेजन ठीक है तो ये नॉर्मल सी जिंदगी चल रही थी भाई सब प्लेट हमारे ब्लड वेसल की पर पता नहीं क्या हुआ कि कोई यहाँ पे एक इंजुरी हुई ओके ये इंजरी का कोई इवेंट हुआ अब इस इंजुरी की वजह से क्या दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं

कोलेजन और वॉन विलिब्रेंट फैक्टर ये दो चीज़ें जो हैं वो बुला रही हैं कि यहाँ पे जल्दी से आकर इस छेद को भरा जाए तो अभी हमें ये समझना है कि हमारी जो प्लेटलेट है इसके ऊपर एक इम्पॉर्टेंट लाइक प्रोटीन होता है जिसका नाम होता है जी पी वन बी नाइन ओके जी पी वन बी नाइन दिस इज़ अ प्रोटीन विच इज़ प्रजेंट एंड दिस इज़ कॉम्पलीमेंट्री टू वॉट इट दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री टू वॉन विलिब्रेंट फैक्टर तो यहाँ पर इसका वॉन विलिब्रेंट फैक्टर के साथ बॉन्ड बनेगा और फाइनली दिस विल ड्राइव द्लेटलेट एडिशन ठीक है इस हिसाब से प्लेटलेट एडिशन के दो डिस हो सकते हैं द फर्स्ट वन इज़ के हमारा जो ये वॉन विलिब्रेंट फैक्टर है उसकी कमी है तो उसकी वजह से प्लेटलेट एडिशन नहीं हो पाएगा दूसरी चीज़ हो सकती है कि जो जी पी वन बी नाइन है प्लेटलेट पर ये प्रेजेंट नहीं है या कोई एबनॉर्मली प्रेजेंट है तो इसका एक डिसऑर्डर हो सकता है ठीक है वन विलिब्रेंट फैक्टर में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो यू ऑल नो कि जो डिसीज़ होती है उसे हम बोलते हैं वन विलिब्रेंट फैक्टर डिसीज़ ठीक है डब बी डब्ल्यू एफ़ डिसीज़ जिसको मैं डब्ल्यू डब्ल्यू एफ़ डिसीज़ भी कहूँगा ठीक है क्यों कहेंगे आगे हम समझेंगे दूसरी बात अगर जी पी वन बी नाइन में कोई प्रॉब्लम होती है तो उससे जो डिसीज़ होती है उसका नाम होता है बर्नार्ड सोलियर सिंड्रोम ठीक है दिस बर्नार्ड सोलियर सोलियर साउंड्स लाइक सोल्जर तो आपको सोलियर से याद रखना है सोल्जर और सोल्जर की मेरी बड़ी एक फेवरेट मूवी पहले रिलीज़ हुई है दैट इज रस्तम ठीक है तो आपको याद रखना है बर्नॉल सोलियर सिंड्रोम यानी रुस्तम और हमारा इंडियन आर्मी में एक सोल्जर जो है ना वो दुश्मन के नौ लोगों पर भारी पड़ता है ठीक है हमारा एक दुश्मन के नौ के बराबर होता है इसलिए जो बर्नॉल सोलियर सिंड्रोम में जो प्रोटीन एबनॉर्मल है उसका नाम है जी इस तरीके से आपको याद रखना है इसे ठीक है कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि आगे जी पी टू बी थ्री ए भी हम पढ़ेंगे इसलिए यहाँ पे बता रहा हूँ कि अगर सोल्जर दिखे तो सोल्जर में आपको याद रखना है जी पी वन बी नाइन ओके बर्नॉल सोलियर सिंड्रोम अब बर्नॉल सोलियर सिंड्रोम बेसिकली एक ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है थोड़ी सी इसकी बात कर लेते हैं बर्नॉल सोलियर सिंड्रोम इज़ एन ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर और जो जी पी वन बी नाइन है ना इसका फंक्शन क्या है प्लेटलेट एडिशन का जो हमने अभी देखा तो अगर इसकी कोई भी एबनॉर्मिलिटी है तो एडिशन नहीं होगा एम में पूछ लेते हैं कि बर्नॉल सोलियर सिंड्रोम प्लेटलेट का कैसा प्रॉब्लम है तो ये एडिशन की प्रॉब्लम है प्लेटलेट पैथोलॉजी की ऑटोसोमल ड्रेसेस ही है साथ में अब जी पी वन बी नाइन है ना इसका एक और फंक्शन होता है कि जो बड़ी मेगा केरियोसाइट्स होती हैं तो उसको डिवीज़न में हेल्प करता है वो तो छोटी छोटी प्लेटलेट्स बनने में तो अगर इसमें प्रॉब्लम है तो ऑब्वियसली वो बड़ी मेगा से अपनी छोटी छोटी प्लेटलेट्स नहीं बनेंगी और थोड़ी बड़ी प्लेटलेट्स बनती हैं तो देयर फॉर इस डिसीज़ में आपको यहाँ पर जो है जायंट प्लेटलेट देखने के लिए मिल सकती है ठीक है ठीक है अब ये अब हम आते हैं कि भाई साहब ये रुस्तम का निमोनिक क्या है तो रुस्तम मूवी में बताया कि हमारे सोल्जर की जो है वो लव लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं ठीक है और दूसरी चीज़ डब्ल्यू डब्ल्यू एफ़ इन लोगों की भी लव लाइफ़ यानी रिश्तों में बहुत परेशानी होती है तो ये दोनों ही चीज़ें बर्नॉल सोलियर सिंड्रोम और वॉन विलिब्रेंट फैक्टर यानी डब्ल्यू डब्ल्यू एफ़ और रुस्तम इन दोनों में रिश्तों में परेशानी होती है ठीक है तो डायग्नोसिस के लिए हम जो प्लेटले, प्लेटलेट प्लेटलेट फंक्शन टेस्ट करते हैं या प्लेटलेट फंक्शन एग्रीगेटोमेट्री करते हैं तो उस पर आपको यहाँ पे कीवर्ड देखने के लिए मिलेगा क्वेश्चन में कि देयर इज एन एबनॉर्मेलिटी इन रिस्टोसेटिन टेस्ट तो रिस्टोसेटिन टेस्ट एबनॉर्मल नॉर्मल होता है बेसिकली रिस्टोसेटिन एक शॉर्ट में मैं बता देता हूँ रिस्टोसेटिन एक एंटीबायोटिक होता है जो बेसिकली हमें नहीं पता है इसका रीजन कि कैसे लेकिन प्लेटलेट एडिशन में हेल्प करता है ओके अगर हम इसको डालते हैं तो उससे प्लेटलेट एडिशन को ये प्रमोट करता है लेकिन अगर किसी पेशेंट में वॉन विलिब्रेंट फैक्टर है ना वॉन विलिब्रेंट फैक्टर या फिर जी पी वन बी नाइन की डेफिशिएंसी है तो आप कितना भी रिस्टोसेटिन डाल दो प्लेटलेट एडिशन नहीं होगा तो डेट इज़ हाउ वी कैन डायग्नोज दिस टू डिसीज विद दी हेल्प ऑफ दिस रिश्तों में प्रॉब्लम यानी रिस्टोसेटिन टेस्ट एब ओके दिस इज द की वर्ड तो हमने समझा कि कैसे प्लेटलेट एडिशन होता है देन फर्दर देयर इज प्लेटलेट एक्टिवेशन जिसमें क्या होता है चेंज इन शेप ऑफ़ द प्लेटलेट एंड देयर इज सिक्रीशन दो चीज़ें होती है ठीक है जिसे हमने समझ चुके हैं फिर नेक्स्ट थर्ड स्टेप होती है आपकी प्लेटलेट का एग्रीगेशन इस पर नज़र डालते हैं आइए प्लेटलेट एग्रीगेशन बेसिकली क्या चीज़ है ये वापस से वही पूरी पिक्चर है आपका इंडोथीलीम है इंडोथीलीम में दिस इज़ योर बेसमेंट मेम्ब्रेन कंटेनिंग द कोलेजन और देर इज एनी इंजुरी इन द इंडोथीलीम वेसल वॉल इंजुरी हुई है उसकी वजह से अब आगे क्या कहानी चालू होती है वो कहानी ये होती है कि आपका प्लेटलेट एडिशन यहाँ हो चुका है यह आपका कोलेजन था एंड दिस वन इज़ योर वन विलीब्रेंड फैक्टर और ये कोई एक प्लेटलेट आई थी जिसके ऊपर क्या था प्रोटीन बताइए जी पी वन बी नाइन ठीक है इनके आपस में क्रॉस लिंकिंग हुई और इस तरीके से प्लेटलेट एडिशन तो हो चुका है अब व्हाट अबाउट एग्रीगेशन एग्रीगेशन में क्या होता है प्लेटलेट एक्टिवेशन हुआ इसने अपना साइज शेप को चेंज किया और अपने अल्फा ग्रेन्यूल्स और डेल्टा ग्रेन्यूल्स को रिलीज किया दिस ऑल स्टफ देन फर्दर प्रोग्रेस इन टू द प्लेटलेट एग्रीगेशन इन विच मोर एंड मोर प्लेटलेट विल कम एंड गेट एक्टिवेटेड हियर। ओके तो ये सब आपकी प्लेटलेट्स हैं। दिस ऑल प्लेटलेट्स देन अब इनके ऊपर एक अलग रिसेप्टर होता है जिसकी बात अभी हमें करनी है दिस इज जी पी टू बी थ्री ए रिसेप्टर प्लेटलेट्स के ऊपर एक स्पेशल रिसेप्टर होता है जिसका नाम है जी पी टू बी थ्री है ठीक है जी पी टू बी थ्री ए जिस जी ये जो जी पी टू बी थ्री है इसमें क्या होता है जो फाइब्रीन नो जन है वो फाइब्रीन में कन्वर्ट होता है ओके और वो फाइब्रीन जो है मे वो इन प्लेटलेट्स को आपस में कनेक्ट करती है विद द हेल्प ऑफ दिस जी पी टू बी थ्री है रिसेप्ट ओके और देन दिस विल स्ट्रेंथन योर प्लेटलेट प्लग तो दैट इज़ हाउ प्लेटलेट एग्रीगेशन एक्चुअली हैपन्स ओके तो यहाँ पर प्लेटलेट एग्रीगेशन होने के लिए दो नेसेसिटीज़ हैं वॉट पहली चीज़ फिब्रीन का होना दूसरी चीज़ रिसेप्टर्स का होना जी पी टू बी थ्री है अगर इन दोनों में से कोई भी एबनॉर्मिलिटी है तो प्रॉपर प्रॉपर प्लेटलेट एग्रीगेशन नहीं हो पाएगा तो यहाँ पे अगेन हम दो इसलिए दो डिसीज पढ़ेंगे द फर्स्ट वन इज योर ए फाइब्रीनोजिनीमिया ए फाइब्रीनोजिनीमिया में भी प्लेटलेट एग्रीगेशन नहीं होता यहाँ पर समझिए फाइब्रिनोजन वैसे तो एक क्लॉटिंग फैक्टर है ठीक है तो फाइब्रीनोजन एक क्लॉटिंग फैक्टर है तो फिब्रीन का मेजर रोल जो है वो सेकेंडरी हिमोस्टेसिस में होता है इट इज़ ऑब्वियस लेकिन अगर ए फाइब्रिनोजिनेमिया है तो क्वेश्चन में बोलते हैं कि इट विल अफेक्ट वॉट तो इट विल अफेक्ट प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी हिमोस्टेसिस क्योंकि यहाँ पे देखिए प्राइमरी हिमोस्टेसिस में भी फिब्रिन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कोई दूसरे क्लॉटिंग फैक्टर का रोल यहाँ पे नहीं है सिर्फ फिब्रिन का है तो ए फाइब्रिनोजिनेमिया विल अफेक्ट प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी हिमोस्टेसिस ओके अगर जी पी टू बी थ्री ए में कोई दिक्कत है तो उससे क्या डिसीज होती है उसका नाम होता है ग्लान्समैन थ्रम्बोस्थीनिया अब इसके अपन एक निमोनिक की बात करें अगर तो ग्लानैन ओके ये बस एक निमोनिक है उससे ज़्यादा कुछ नहीं याद रखने के लिए मैंने बताया तो ग्लान्स मैन दिस इज़ ग्लान्स मैन ओके ग्लान्स मैन अब एक चीज़ होती है कि अगर यह कोई आदमी है यह औरत है और अगर यहाँ पे इनके रिश्ते में ग्लान्स प्रेजेंट है तो इनको दो से तीन होने में टाइम नहीं लगेगा ओके तो जो टू है वो जल्द ही थ्री में कन्वर्ट हो जाएंगे दैट इज़ टू विल बिकम थ्री इसलिए आपको याद रखना है कि ग्लान्सबिन थ्रम्बोस्थीनिया में जो रिसेप्टर डिफेक्टिव होते हैं दीज आर जी पी टू बी थ्री एके कन्फ्यूज़ नहीं करना है जो हमने वन बी नाइन पढ़ा था वो हमने ऊपर सोल्जर के साथ पढ़ा था ग्लान्समैन में हमने देखा कि कैसे दो लोग तीन में कन्वर्ट हो जाते हैं ग्लान्स की प्रेजेंस में फर्दर निमोनिक इसी से रिलेटेड है हाई के अगर मुझे इसे डायग्नोस करना है तो प्लेटलेट फंक्शन एग्रीगेटो मिट्री पर याद रखना ग्लान्स अगर प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली रिश्ते बढ़िया होंगे ठीक है रिश्ते में कोई समस्या नहीं होगी तो रिस्टोसेटिन एबनॉर्मिलिटी नहीं मिलेगी यहाँ पे जो कि हमें ऊपर वो सोल्जर में मिल रही थी रुस्तम वाले ओके बर्नार्ड सोल्जर सिंड्रोम में तो रिस्टोसेटिन एबनॉर्मेलिटी यहाँ पे हमें नहीं देखने के लिए मिलेगी तो फिर यहाँ पे क्या करें इसका तो कोई मतलब ही नहीं रहा ठीक है रिस्टोसेटिन टेस्ट कराने का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है तो फिर हम यहाँ पे क्या करें प्लेटलेट फंक्शन टेस्ट में यहाँ पे हम करा सकते हैं एडीपी ए टी या फिर कोलेजन रिलेटेड प्लेटलेट फंक्शन एग्रीगेटोमिट्री तो उसमें हमें समझ आएगा इसमें भी सेम कंसेप्ट है कि ए डी पी ए टी पी एड्रीनलिन कोलेजन ये सब एग्रीगेशन में हेल्प करते हैं मतलब एक्चुअली दे प्रमोट दी एग्रीगेशन जब इनको आप सैंपल में डालते हैं तो अब लेकिन अगर यहाँ पर कोई रिसेप्टर में कोई डिफेक्ट है या फिर ए फाइब्रीनो है तो ऑब्वियसली प्लेटलेट एग्रीगेशन नहीं होगा ठीक है दैट इज़ हाउ वी कैन डायग्नोज दिस डिजीज़ ठीक है अब आ, अगर इसकी बात करें रिसेप्टर की तो आ, एक बार सेंट्रल इंस्टीट्यूट एग्ज़ाम में जी पी टू बी थ्री ए की जगह उन्होंने कहा था सी डी वन सिक्सटी वन ओके तो अगर जी सी डी फोर्टी वन सिक्सटी वन रिसेप्टर एपनॉमिटी भी बोलेंगे तो सेम है वो ग्लासमैन थ्रम्बोस्थीनिया ही आपको सोचना है ठीक है कैसे याद रखोगे दो दुनी चार और तीन दुना छः दोनों में दो दो का मल्टीप्लाई कर दिया है तो इसलिए टू बी को ये फोर याद रख सकते हो आप और थ्री के लिए सिक्स याद रख सकते हो तो कहीं सी डी फोर्टी वन सिक्सटी वन भी दिखा तो आपको क्या याद रखना है दो से तीन हो गए दो से तीन कैसे होते हैं ग्लान्स की प्रेजेंस में इसलिए ये ग्लांसमैन थ्रम्बोस्थीनिया है बेसिकली अगर इसका संधि विच्छेद करें ना तो थ्रम्बो का मतलब होता है थ्रम्बोसाइड इस का मतलब होता है वीकनेस तो इसे प्लेटलेट की वीकनेस बोला गया है जब वो आपस में एग्रीगेट नहीं हो पा रहे और एक अच्छा सा स्ट्रॉन्ग प्लेटलेट प्लग नहीं बना पा रहे हैं तो ठीक है So, doctors, this was all about the primary hemostasis. In the next video, we will continue with the secondary hemostasis and the coagulation cascade. Thank you so much.